नमस्कार दोस्तों, आज हम पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम शुरुआत तदंत झंझा से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तदंत झंझा कैसे चक्रवात बनता है, फिर चक्रवात की संरचना के बारे में बात करेंगे और टॉर्नेडो और बवंडर क्या होते हैं यह जानेंगे। तदंत झंझा गर्जन के साथ भारी वर्षा को कहते हैं। भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तदंत झंझा विकसित होते हैं। इसमें पृथ्वी के करीबी की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे वहां कम दबाव वाले क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे यह गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, यह धीरे धीरे ठंडी और भारी होने लगती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि तदंत झंझा कैसा दिखता है। इसके फलस्वरूप रूप हवा का दबाव ऊपर अधिक और नीचे कम होने लगता है। फलस्वरूप रूप यह हवा पूर्ण नीचे की ओर आने लगती है। यदि इस हवा में जल वाष्प की पर्याप्त मात्रा रहती है तो यह जमने लगती है और नीचे गिरने लगती है। अंततः भारी वर्षा के साथ बादल की गरज सुनाई पड़ती है तथा बिजली की चमक भी दिखाई देती है। इसी घटना को तदंत झंझावात कहते हैं। तदंत झंझा के समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, खाली स्थान या जंगल में बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। दूसरा, जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। तीसरा, खुली खिड़की के पास नहीं रहना चाहिए। चौथा, धातु की डंडी वाली छतों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, धातु की बनी चीजों के समीप नहीं रहना चाहिए। छठा, दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। और सातवां, शीशे के दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल देने चाहिए ताकि शीशे के टुकड़े बिखर ना जाएं। अब हम यह देखेंगे कि तदंत झंझा कैसे चक्रवात बनता है। बादल बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में बदल जाता है। जब जल वाष्प वर्षा के रूप में बरसता है तो यह ऊष्मापूर्ण वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने वाली ऊष्मा के से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती जाती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तदंत झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक वायु गति करने लगती है। इसकी पूर्ण वृत्त अनेक बार होती रहती है। घटनाओं के इस शीर्ष खला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं। मौसम की इसी स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। अब हम यह देखेंगे कि चक्रवात की संरचना कैसे होती है। चक्रवात का केंद्र एक अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है, जिससे हम तूफान की आंख कहते हैं। इसका व्यास 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र में बादल प्रायः नहीं के बराबर होते हैं और पवन की गति अत्यंत कम होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक चक्रवात में ठंडी हवा, तेज हवा, गर्म हवा किधर किधर होती है, और देख सकते हैं कि चक्रवात के नीचे के हिस्से में धूल और मलदा के बादल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के बाहर 150 किलोमीटर के क्षेत्र में
गहरे बादल होते हैं जिसके कारण भारी भी बारिश होती है। इस क्षेत्र में पवन की गति 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। एक चक्रवात की ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच होती है। इस चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि चक्रवात किस प्रकार से बनता है। चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी होता है। तेज पवन समुद्र से जल को तटों की ओर ढकेलते हैं, चाहे चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। यह चक्रवात के आने के पूर्व संकेत होते हैं। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। यह 3 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ जाता है। ऐसा लगता है कि जल की दीवार तट की ओर आ रही है। समुद्र का जल कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति को गंभीर नुकसान होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि चक्रवात में समुद्र के जल किस प्रकार उठता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाद की स्थिति को और भयंकर बना देती है। चक्रवात के साथ उच्च वेग की पवन भी आती है, जो घरों, टेलीफोन खंभों, बिजली के खंभों, वृक्षों आदि को हानि पहुंचाती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि चक्रवात द्वारा किस प्रकार का विनाश होता है। अब हम टॉर्नेडो, जिसे हम बवंडर भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। टॉर्नेडो गहरे रंग की किप के आकार में बादल होते हैं। इनकी किप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि टॉर्नेडो किस प्रकार का दिखता है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से भी गति कर सकते हैं। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से ज्यादा चक्रवात आते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक टॉर्नेडो किस प्रकार का दिखता है। सुरक्षा के उपाय। अब हम यह देखेंगे कि हम इन विनाशकारी स्थितियों से किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चक्रवात की भविष्यवाणी या चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। चेतावनी को सरकारी लोगों, बंदरगाहों, जहाज पर काम करने वाले लोगों, नाविकी और आम लोगों तक जल्द पहुंचाना चाहिए। तटीय प्रदेशों को चक्रवात के समय आश्रय के लिए शरण स्थानों का निर्माण तथा प्रशासन द्वारा लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मौसम विभाग द्वारा समय पर अखबार, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से चक्रवात संबंधित सूचना तथा चेतावनी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने सामानों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे को हमेशा असीमित सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस आदि के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। अंत में हमें सड़कों पर स्थिर पानी में गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि यह सड़कें चक्रवात या भारी बारिश द्वारा टूटी हो सकती हैं। अब हम यह देखेंगे कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस प्रकार अपनी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। पीने के लिए शुद्ध जल को हमेशा
संग्रह करके रखना चाहिए। गिरे हुए बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। भीगे हुए बिजली के स्विचों को नग्न हाथों से नहीं छूना चाहिए। बचाव दल पर किसी प्रकार का दबाव कभी भी नहीं डालना चाहिए और अंत में हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो में हमने तडिंत झंझा क्या होता है यह सीखा, तडिंत झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है यह देखा, चक्रवात की संरचना किस प्रकार होती है इसके बारे में जाना और अंत में टॉर्नेडो और बवंडर क्या होते हैं यह देखा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।